मैं आप सबके लिए अपने हाथों से खाना बनाकर लाई हूँ। अयान प्लीज, मेरी दुश्मनी तुम खाने पर मत निकालो। आप लोगों ने कल से कुछ भी नहीं खाया। मैं जानती हूँ आप लोगों को दादी और बाबा की चिंता है, लेकिन नहीं खाने से कोई सलूशन तो नहीं निकलने वाला है ना। आप लोग अगर नहीं खाएंगे तो आप लोग की तबीयत खराब हो जाएगी, फिर कैसे एक दूसरे को संभालेंगे। आई नो आप सब मुझसे बहुत नाराज हैं और मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, पर मैं भी तो इस घर की बहू हूं ना, और बहू होने के नाते ये सब कुछ मेरा फर्ज है। आप लोग प्लीज थोड़ी देर के लिए अपनी नाराजगी छोड़ दीजिए और ये खाना खा लीजिए। प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अयान, मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं और मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। प्लीज मुझे एक मौका दे दो खुद को अच्छी बहू साबित करने का। मेरा तुम्हारी और फालतू की लाइफ में आने का कोई इरादा नहीं आया। मैं सेट के साथ अपनी लाइफ शुरू करना चाहती हूँ। प्लीज मेरी बात पर यकीन करो। तनिषा बंद करो तुम्हारा ये ड्रामा। इन सब गेम्स के लिए हमारे पास ताकत नहीं है। और ये खाना यहाँ से लेकर जाओ, हमारे घर से चली जाओ तुम। मैम प्लीज, मैं इस घर में शादी करके आई हूँ। ये मेरा घर है और मेरा परिवार है। आप लोग चाहे मेरी जितनी इंसल्ट कर लो, लेकिन मैं खुद को अच्छी बहू साबित करके रहूंगी। फालतू, आई एम रियली सॉरी। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ में बहुत गलत किया है, पर प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। सीरियसली, अब मुझे अयान में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगी। तुम सबसे कहो ना कि मुझे माफ कर दें, ये लोग तुम्हारी बात कभी नहीं टालेंगे। प्लीज। इसकी शक्ल देख के ना दम घुटता है मेरा। चलो फालतू। अयान प्लीज। हाथ छोड़ो मेरा। मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा। शुभ।